दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं दिलाशा दहिवेलकर। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली भारी सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के सीनियर नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर में रात भर चले 3 अलग अलग ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने कहा कि पुलवामा में चेवाकला इलाके में मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जश्न ए मोहम्मद को 2 आतंकवादी मारे गए। उसमें से एक की पहचान पाकिस्तानी जैश कमांडर कमाल भाई के रूप में हुई, जो 2018 से सक्रिय था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ सकती है। पार्टी के असंतुष्ट नेता एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। इस सिलसिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर शुक्रवार देर शाम असंतुष्ट नेताओं की बैठक हुई है। वहीं इस बार पार्टी भी पलटवार की मुद्रा में है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर घमासान और बढ़ने का असर है। यूक्रेन के एक बुजुर्ग दंपति ने रूसी सैनिकों के खिलाफ गजब का साहस दिखाया। दंपति ने उसकी प्रॉपर्टी खाली करवाने आए हथियारबंद सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। खास बात यह है कि बिना किसी हथियार के ही इस बुजुर्ग जोड़े ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 937-311-1709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. SMS Kinetic e-mobility showroom, electric bikes and auto milne ka ek matr sthan, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स, काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर डीएक्स, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, स्पेशियस एंड सुपीरियर ई रिक्शाज। लो इन्वेस्टमेंट एंड हायर रिटर्न्स। विजिट अस एट Chitnis Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096654447. Socho Smart, Kharido Safar Smart. आम जनता को बड़े पैमाने पर मेडिकल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु और खासकर कोरोना मरीजों के लिए होप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा टिकाना का कामठी रोड स्थित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल रामदास पेट के माध्यम से आरोग्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसीलिए होप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बी के मुरली और उनकी टीम ने अनोरा नामक ऐप और वेबसाइट की निर्मित की है। हमारे यहाँ रियायती दरों पर सभी स्तर के मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग टीका लगाना चाहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन का, वो इस ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो भी अमाउंट है आप दे सकते हैं। हमारे पास दी जाने वाली उपलब्ध सेवाओं का आपको लाभ मिलेगा, जिसमें घर पर ही चिकित्सा सेवा, ब्लड सैंपल कलेक्शन उपलब्ध, जच्चा बच्चा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, कोरोना का घर पर टीकाकरण सेवा उपलब्ध, घर पर ही अस्पताल की तरह चिकित्सा सेवा उपलब्ध, घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर विजिट उपलब्ध, आहार विशेषज्ञ की घर पर विजिट उपलब्ध,
मधुमेह पर विशेषज्ञ डॉक्टर की होम विजिट उपलब्ध, नर्स सेवा उपलब्ध, फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ की घर पर सेवा उपलब्ध, बुजुर्ग व्यक्ति की और मरीजों की घर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध, कोरोना की घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध। यह सभी सेवाएं आपको मिल सकती है सिर्फ एक क्लिक पर। 24 घंटे ये सेवाएं उपलब्ध है हमारे अनोरा ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। अनोरा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में आप अनोरा की मदद से अनहोनी होने से टाल सकते हैं। तो विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर। हमारा पता है आयुष्मान हॉस्पिटल, फोर्थ फ्लोर, शिवर्धन कॉम्प्लेक्स, रामदास पेट, नागपुर। होप हॉस्पिटल, टेकानाका, कामठी रोड, नागपुर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच युद्ध को 16 दिन हो गए हैं। उधर पश्चिमी देशों, यूरोपियन संघ और अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी समृद्धि भोजन, वोडका और हीरो पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पर केमिकल हमला हुआ तो खैर नहीं। श्रीलंका में पेट्रोल 50 और डीजल 75 रुपए लीटर बढ़ने के बाद आज इंडियन ऑयल ने भारत में भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। बता दें इंडियन ऑयल की श्रीलंका स्थित सब्सिडी लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने कहा कि डीजल की खुदरा कीमत 75 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। अब यह पेट्रोल के दाम 254 रुपए प्रति लीटर और डीजल के 214 रुपए प्रति लीटर है। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की शुरुआत शानदार रही और बावजूद इसके कि फिल्म को क्रिटिक्स का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिला। खबर है कि फिल्म ने पहले ही दिन तकरीबन 15 करोड़ की कमाई करके शानदार शुरुआत की। सिर्फ हिंदी वर्जन के जरिए ही फिल्म 4.50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। बता दें कि फिल्म के लिए दर्शकों ने जमकर एडवांस बुकिंग की थी, जिसके जरिए मेकर्स 4-8 करोड़ रुपए पहले से ही उठा चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शमिता शेट्टी चाहती है कि राकेश पुणे से मुंबई शिफ्ट हो जाए। आपको बता दें कि रिद्धि डोगरा से तलाक लेने के बाद से राकेश बापट वही पुणे में ही है और अब शमिता उन्हें मुंबई शिफ्ट होने के लिए कह रही है। बस यही से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। इस कपल से जुड़े एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, प्यार हुआ था लेकिन अड़चने आ रही है और काफी झगड़े हुए हैं कुछ दिनों से। सूत्रों ने आगे कहा, शमिता कभी भी राकेश और अपने प्यार के लिए श्योर नहीं थी। बिग बॉस 15 के दौरान भी वह अपनी आशंका कई बार व्यक्त कर चुकी है। दिल्ली में अपने घरों का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमों में बदलाव किया है। डीडीए की नई आने वाली आवासीय योजना में अब वे लोग भी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास दिल्ली में अपना घर या अन्य कोई संपत्ति है। हालांकि यह संपत्ति 67 वर्ग मीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता, प्लॉट नंबर 49, ग्रेट नाग रोड, नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। कॉन्टेक्ट अस ऑन रमेश जुगेले 9881230037 और जगदीश जुगेले 9822710072।